बिहार के सियासत से पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे कहने वाले पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। बुरी खबर है पप्पू यादव के लिए। देखिए, आरजेडी के सिंबल से बीमा भारती 3 अप्रैल को नामांकन करने वाली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, लालटेन के सिंबल से बीमा भारती ने ऐलान कर दिया है कि राजद के टिकट से पूर्णिया लोकसभा सीट से 3 अप्रैल को नामांकन करेंगे। देखिए, पप्पू यादव जो पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किए, इसीलिए ताकि उनको पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। देखिए, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव के लिए बुरी खबर है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे कहने वाले पप्पू यादव को, बीमा भारती जो जदयू की विधायक थी लेकिन हाल ही में इस्तीफा देकर और आरजेडी के सिंबल से आरजेडी के साथ दामन थाम ली और अब पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करने वाली है। अनाउंस हो गया है कि 3 अप्रैल को नामांकन करेगी पूर्णिया लोकसभा सीट से। तो पप्पू यादव के लिए बुरी खबर है। पप्पू यादव देखिए हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किए ताकि पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सके। पप्पू यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पूर्णिया लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। यानी कि अगर पप्पू यादव को महागठबंधन टिकट नहीं देती है तो फिर हो सकता है कि निर्दलीय चुनावी मैदान में पप्पू यादव कूद पड़े, लेकिन पूर्णिया से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। देखिए, पिछले कई साल से लगातार पूर्णिया में पप्पू यादव काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया के दौरान कई लोगों से पप्पू यादव मुलाकात किए। पिछले कई साल से पप्पू यादव पूर्णिया के जनता के बीच में सेवा किए और अब वक्त है चुनाव का, 2024 के लोकसभा का। पप्पू यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हमने 20 साल गलती किया है वह अब दोहराना नहीं है। पप्पू यादव किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी के सिंबल से यानी कि लालटेन से बीमा भारती अब दावा कर रही है कि 3 अप्रैल को नामांकन करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट से और राजद के टिकट से। तो क्या पप्पू यादव का पत्ता कट गया? पप्पू यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे? यानी कि पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। एक एक चीज पर क्लियर हो जाएगा। आज शाम तक महागठबंधन का सब सीट क्लियर होने वाला है, वह भी खबर हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बिहार एक सोच पर बने रहे। धन्यवाद।